हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा आज का जो पोर्शन लेके आए हैं वह है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो बस तो इससे पहले भी हमने दो इकोनॉमिक्स भेजा था, बहुत डीपली हम नहीं ले जा रहे हैं, नॉर्मल उठाए हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जाते हुए आपके लेवल का उसी तरह हमने उठाए हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू कर देते हैं। बच्चों भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है? बच्चों तो भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन सा भाई? चार ऑप्शन दिया है कि पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है। पहला हमारा आ जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्थापना 1770 में हुई है इसकी, ठीक है भाई। तो 1770 में अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में हुई है पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में हुई बच्चों इम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई है। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दें क्वेश्चन हमारा कहने का जो श्रेय है कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा बैंक है? तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक है बच्चों। इम्पीरियल बैंक ये वही बैंक है जिसका 1955 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसके स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी बच्चों, ठीक है। तो आइए हमारा आंसर जाएगा पीएनबी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बच्चों मैं आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन कमेटी के सुझाव पर 1935 में किया गया और जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया बच्चों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, यानी रिजर्व बैंक के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे बच्चों? चार ऑप्शन दिया सी डी देशमुख, या ओसबर्न स्मिथ, डी डी गाडगिल या बी सुब्बा राव। तो बच्चों हमारा आंसर जाएगा सी डी देशमुख थे। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था सर्वाधिक वो कब किया गया था बच्चों? तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969, तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्न में से आरबीआई का कार्य नहीं है। तो आरबीआई का कार्य नहीं बच्चों नोटों का निर्गमन करना, राजकोषीय नीति का संचालन करना, मुद्रा व ऋण प्रणाली का संचालन करना या मौद्रिक नीति का संचालन करना। तो रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं भाई? तो राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति जो होती है बच्चों हम आपको बता दें कि पूरे वर्ष का जो आय व्यय होता है उस पर निर्भर करती है, तो सरकार जारी करती है भाई, ठीक है। सीएसओ जारी करता है, रिजर्व बैंक जारी नहीं करता, बाकी सब रिजर्व बैंक करता है बच्चों। अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार लिया जाता है, ठीक है, बैंकों से उधार लिया जाता है तो वह दर क्या कहलाती है? तो उधार लिया जाता है बच्चों उस दर को क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर होता है, रेपो दर उसे कहा जाता है कि जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे बोला जाता है रेपो दर। और जैसे यहाँ हमने लिखा कि अल्पकालीन उधार लेती है तो उसको बोलते रिवर्स रेपो दर बोलते बच्चों। तो हमारा आंसर जाएगा रिवर्स रेपो दर, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है उसे हम बोलते हैं रेपो दर। यहाँ हमारा आंसर जाएगा रेपो दर, अभी हम बता के आए हैं रेपो दर जाएगा। अब बच्चों में आ जाते हैं किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया? अभी हमने आप लोगों को बोला था कि इम्पीरियल बैंक। तो इम्पीरियल बैंक की स्थापना कब हुई बच्चों? 1921 में।
इसी का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। राष्ट्रीयकरण करने के बाद किस बैंक की स्थापना की गई, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई बच्चों, ठीक है। तो व्यावसायिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई भाई, आज कम होकर के 12 पे आ गई है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक कौन सा बच्चों, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आ जाता है आपका भारतीय स्टेट बैंक है। तो बच्चों भारतीय स्टेट बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना बच्चों ये नाबार्ड की 1994 बैंक की 1994 में हुई। यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में हुई है बच्चों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक जाएगा बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भारत का पहला शेयर बाजार कौन था। तो भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बच्चों कब हुई है, 1875 में हुई है। भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है बच्चों, तो भारत में कुल 24 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन आ जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बच्चों आगे बात करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई है बच्चों, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बच्चों 1992 में हुई है, ठीक है, 1992 में हुई है बच्चों। इंदौर स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो 1919 में हुई है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो 1947 में इसकी स्थापना हुई है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है। तो कौन सा कथन शेयर बाजार के संबंध में असत्य है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, बिल्कुल सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फारवानी समिति के सिफारिश पर हुई, बिल्कुल सत्य है। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार दो हैं, ये गलत है, क्योंकि मान्यता प्राप्त कुल 24 हैं बच्चों, तो 24 हैं इसलिए यही गलत जा रहा है, बाकी सब सही है, ठीक। इसके बाद बच्चों माजर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आ जाता है आपका बम्बई में बच्चों। अब हम आ जाते हैं शेयर बाजार के कारोबार को कौन संस्था है जो नियंत्रित करती है बच्चों, तो सेबी है। तो सेबी की स्थापना कब हुई बच्चों, सेबी की स्थापना 1988 में है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो सेबी जाएगा आंसर बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष क्या है बच्चों, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष है 1966 से 65-66 होना चाहिए, 78-79, तो बच्चों 78-79 जाएगा बच्चों, 78-79 है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में हरित क्रांति 1965-66 में लाई गई, कहीं कहीं 66-67 भी मिलता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। अगर हम विश्व की बच्चों बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति 1951 सोवियत संघ में लाई गई, और सोवियत संघ में इसके जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, हरित क्रांति के किस फसल का, तो देखिए हरित क्रांति जो लाई गई बच्चों सर्वाधिक फसल खाद्यान्न पे पड़ा था, और खाद्यान्न में गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति भारत में पहले हरियाणा फिर पंजाब में लाई गई, तो हमारा यहाँ आंसर गेहूं जाएगा बच्चों। अब हम आ जाते हैं भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में,
अगर हम हेक्टेयर की हिसाब से बात करते हैं, यानी कम क्षेत्रफल में अधिक पर्दा करता उत्तर प्रदेश और इसे पंजाब है, तो हमारा यहाँ अंतर क्या जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी बच्चों, राष्ट्रीय कृषक आयोग। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में हुई है दोस्तों, 2004 में हुई है, और किसकी अध्यक्षता में हुई है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुई है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है भाई, भारत का। देखिए गेहूं में चाइना नंबर वन पे है, सेकंड पे भारत चल रहा है, तो यहाँ बच्चों हमारा द्वितीय स्थान जाएगा, सेकंड पे भारत आ जाता। तो चले बच्चों हमारा आज का क्लास समाप्त होता है, और फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो चले बच्चों, जय हिंद जय भारत।